आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाबा टेक्निकल। आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो में कि बुकमार्क्स क्या होता है। बुकमार्क्स मीन्स एक ऐसा ऑप्शन होता है गूगल क्रोम पे कि आप रेगुलर कोई वेबसाइट देख रहे हो तो बार बार उसको गूगल सर्च पे सर्च करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि आप उसको बुकमार्क्स पे सेव कर दीजिए और वन क्लिक पे आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जीमेल, यूट्यूब, मैप ऐसे सब मैंने बुकमार्क अपना सेव करके रखा है, तो आप भी ऐसे सेव कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे और मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करते हैं हॉटस्टार, हॉटस्टार हो गया। अब इस पर आप वेब पेज खुला है तो अभी आप इस पर क्लिक करो और क्लिक करते हैं देखिए पेज खुल गया है हॉटस्टार का, जो कि हर घर में चलता है। तो अभी क्या एक फ्रेंड का मुझे ऐसा मतलब मुझे इंक्वायरी आया था कि कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जो घर के सीनियर सिटीजन या कोई बच्चे जिनको ज़्यादा अभी कुछ कंप्यूटर पे आता नहीं है वो वन क्लिक पे अपना कोई भी प्रोग्राम देख सके, तो उनके लिए ये वेब साइट जो भी है इसको बुकमार्क्स पे सेव करने के लिए ये खास करके वीडियो बनाया जा रहा है कि उनको वन क्लिक में वो वीडियो देख सके। जैसे कि एग्जांपल ये देखिए hostel.com आ गया, तो यहाँ पे ये राइट साइड में आपको स्टार दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ यहाँ बुकमार्क्स बार देखिए ऐसे सेव कर सकते हैं। और ये कुछ ज़्यादा इसने डिटेल भर दिया है हॉटस्टार ने, तो हम इतना बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि वो स्पेस बुकमार्क्स का स्पेस ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो हम और भी कुछ वहाँ सेव नहीं कर पाते हैं, अच्छे से शो नहीं होगा। तो ये देखिए हॉटस्टार हो गया, इसको हम डन करते हैं। देखिए यहाँ पे हॉटस्टार दिखने लगा, अब हम इसको कट करते हैं। और देखिए कोई भी जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो सिंपल एक क्रोम ब्राउज़र ओपन करेगा और इसे वन क्लिक करने से ही उसका हॉटस्टार ओपन हो जाएगा और प्रोग्राम्स वगैरह जो भी उनको देखने यहाँ पे देख सकते हैं। ये हुआ एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे आप हॉटस्टार ऐसे लेफ्ट बटन दबा के आप कॉपी कर लो और ये कॉपी और फिर यहाँ पे एक दूसरा विंडो खोलते हैं और ये हॉटस्टार को यहाँ से डिलीट करते हैं पहले, और फिर ये यहीं पे आप राइट क्लिक करो स्पेस पे और ये ऐड पेज करके आ रहा है, तो आप यहाँ पे और पेस्ट कर दो हॉटस्टार और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो और फिर ये जो एक्स्ट्रा है ऊपर लिखा हुआ इसको आप डिलीट कर दो और सिर्फ हॉटस्टार ही रहे। अब इसको हम सेव करते हैं। तो देखा आपने ये दोनों ऑप्शन कैसे अपना बुकमार्क पे अपना फेवरेट वेबसाइट हम सेव कर सकते हैं। अभी यहाँ से भी वन क्लिक पे ओपन हो जाता है। और ऐसे करके अगर आप बहुत सारे वेबसाइट आप सेव कर रहे हो तो क्या होता है कि बुकमार्क भर जाता है, तो इसके लिए एक हमारे पास एक और ऑप्शन है और यहाँ पे आप फाइल बना सकते हैं फोल्डर। देखो एक फोल्डर है, इसको मैं न्यूज़ का फोल्डर बनाता हूँ। न्यूज़ का फोल्डर बना दिया। अभी जैसे एग्जांपल अभी हम लोगों को वो फोल्डर कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे कौन सा न्यूज़ NDTV ले लेते हैं, NDTV। तो आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करो और देखिए इजीली लाइव अपना स्टार्ट हो गया न्यूज़ चैनल, आप देख सकते हैं। ये न्यूज़ चल रही है, इसका साउंड यहाँ से मैंने म्यूट करके रखा है। तो अब इसको जैसे एग्जांपल आपने यहाँ से कॉपी कर लिया,
कॉपी करने के बाद हम दूसरा पेज ओपन करेंगे, फिर ये स्पेस पे क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो सब कट करके सिर्फ NDTV ही रख देंगे ऊपर। और सेव कर देंगे। देखिए यहाँ NDTV आ गया। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा, वन क्लिक में NDTV लाइव अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो गया वापस से, साउंड है। अब ये फोल्डर बनाने का रीज़न ये था कि अभी देखिए यहाँ पे NDTV अभी, और मैं एक यहाँ पे कोई वेबसाइट सेव करूँ तो मेरा बुकमार्क्स का पूरा स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको उठा के लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे इसको न्यूज फोल्डर में डाल देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो ऐसे करके आप मूवीज़ का देखिए मैं बनाया हूँ, गेम का बनाया हूँ, ये GST बनाया हूँ, ऐसे करके आप सीरियल भी बना सकते हैं, न्यूज़ भी बना सकते हैं, और जो भी आपको और लगे सही आपके हिसाब से, जो आपको फोल्डर बनाना है वो फोल्डर बना के आप जो वेबसाइट देखते हो उसके हिसाब से उसमें सेव कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे बुकमार्क्स पे हम कोई भी चीज़ें जो भी हम वेबसाइट रेगुलर देखते हो कैसे हम सेव करते हैं। और आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मैं ऐसे ही छोटे छोटे कंप्यूटर के बेसिक जानकारी आप लोगों को समझाता रहूँ, दिखाता रहूँ, सिखाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।